Okay, बच्चे लोग चलिए. So welcome back you all to the chapter 3, to chapter 2 of principal management. हम लोगों के हिसाब से chapter 3 हो गया क्योंकि हम लोग section A, section B का balance maintain कर रहे हैं. तो since we are maintaining the balance between section A और section B, तो हम लोगों ने section A से एक chapter पढ़ लिया, section B से एक chapter पढ़ लिया और 80 marks के syllabus में 17 marks का पढ़ाई हम लोग complete कर चुके हैं. आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से रट लेना है, बढ़िया से आपको याद कर लेना है, बढ़िया से एकदम फोकस कर लेना है टॉपिक में. चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉपिक है द सन. अच्छा आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट. क्या आप ये पढ़ेंगे? नहीं दोस्त, थोड़ा रुकिए. तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से कि आज का जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर का नंबर है बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर कितना बाबू? 2. चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 2 का जो शुद्ध नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो चैप्टर 2 जो आपके सिलेबस में है उसका प्योर वाला नाम जो है, उसका शुद्ध वाला नाम जो है वो नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. भैया ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? तो दोस्त ये चैप्टर 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा. मतलब ये अब हम 22 के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट, फिर टेस्ट पेपर प्रैक्टिस और हर चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट. तो देखिए चैप्टर 2 जो टॉपिक हम लोग का हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये चैप्टर से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का. अब सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता होगा एग्जाम में? तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब हो गया आपका 4 × 1 and 1 × 1. मतलब इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे ही फोकस करना है. और ऑब्जेक्टिव देखिए, ये सब चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आपका पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा. फिर उसके अलावा मैं अलग से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं अलग से आपको प्रिंट आउट दूंगा, फिर हम लोग का नोट्स है ऑब्जेक्टिव का, उसका नाम है स्लीपिंग कैप्सूल, वो आपको हम देंगे. तो बहुत सारा चीज मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मार्क्स कवरेज 5 और लॉन्ग क्वेश्चन. याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन से टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सवाल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. सूरज पूरब में उगता है ये बात किसको नहीं पता है आप बता दीजिए. सूरज पूरब में उगता है ये बात किसको नहीं पता है आप लोग बता दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे. सूरज पूरब में उगता है ये बात हर एक व्यक्ति को पता है. एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, एवरीबॉडी नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. और पता है क्यों? पता है हर इंसान को ये बात क्यों पता है? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रूथ है, ये बेसिक सच्चाई है, ये एक ऐसा सत्य है जो सबको पता है. यूसो सबको पता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज जो है वो पूरब में उगता है और सूरज पूरब में उगता है इसलिए क्या होता है? दिन और रात होता है. तो सन राइजेस इन द ईस्ट ये जो लाइन मैंने यहां पे लिखा है ये कोई एक, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, ये एक फंडामेंटल सच्चाई है, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है जो सच्चाई दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है. और इसलिए इस सच्चाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सच्चाई को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल. क्या होता है वो? प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल का मतलब होता है बाबू फंडामेंटल ट्रूथ. आप अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल मत समझ लीजिएगा दोस्त, अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल मत समझ लीजिएगा दोस्त. ये मत सोचिए कि मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसका बात कर रहे हैं. ना 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 मेरे दोस्त, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. And what is principle of management? So principle of management is the fundamental truth which is accepted by everybody. It's a fundamental truth which is universally accepted. हर वो सच्चाई एक सच्चाई है जो दुनिया के सारे लोग उसको मानते हैं, उसको हम लोग principle बोलते हैं. तो भैया what is principle of management? So the principle of management refers to the fundamental truths, fundamental statements related to the management. तो management से related जो facts है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज है जो पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है वो थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ना इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कौन कौन सा फैक्ट है, जो वो कौन कौन सा प्रिंसिपल है विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं नोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा है. अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द फेनोमेनल बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज देखिए लैंग्वेज को मेंटेन करेगा. इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है सच्चाई को, किसी भी घटना फिनोमेना मतलब घटना, किसी भी घटना से रिलेटेड
एक सच्चाई को जो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता हो, जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? तो मैनेजमेंट का वो स्टेटमेंट, मैनेजमेंट का वो फैक्ट, मैनेजमेंट का वो फंडामेंटल ट्रूथ जो सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं और जो आपको बताता है कि अगर मैनेजमेंट ये नहीं करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशन बताता है। ये था मैनेजमेंट का डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन। अब आइए डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए डेवलपमेंट ऑफ इसको ठीक है, बुक है सबके पास, करेक्शन कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सुनिए हम क्या बताना चाहते हैं, देखिए मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, वो कैसे बनता है? कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल, पहले मान लो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सच्चाई जो है वो कैसे बनता है? वो चीज कैसे बनता है? तो बोला गया है कि कोई भी जो फंडामेंटल ट्रूथ होता है, कोई भी जो फंडामेंटल सच्चाई होता है ना, वो कैसे बनता है? तो बोला गया उसमें दो एक स्टेप होता है। एक होता है डीप ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन, और एक होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बोर्ड के पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाउ डू यू डिराइव, हाउ डू यू गेट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कैसे मिलता है? तो याद रखिएगा, देयर आर टू बेसिक थिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो चीज होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो डेवलप हुआ है उसमें दो स्टेप है। पहला स्टेप है डीप ऑब्जर्वेशन और दूसरा है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही नहीं, दुनिया का जितना भी प्रिंसिपल है, जो भी चीज का प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल जो है या कोई भी फैक्ट जो है जो पूरा दुनिया स्वीकार करता है, वो फैक्ट एक दिन में नहीं बनता है। उसमें दो स्टेप होते हैं, दो मेन स्टेप होते हैं। देयर आर टू स्टेप्स टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पाने का, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को डिराइव करने का दो स्टेप है। पहला है डीप ऑब्जर्वेशन, रख लीजिएगा, पहला क्या बाबू, डीप ऑब्जर्वेशन। दूसरा है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हाउ डू यू डिराइव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कैसे मिलता है? याद रखिएगा, देयर आर टू स्टेप्स इन गेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वन इज डीप ऑब्जर्वेशन, अनदर इज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। आपको याद होगा न्यूटन का नाम सुना है आप लोगों ने, न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप ऊपर फेंकेंगे, आपको एग्जांपल दिखाते हैं, अगर किसी भी चीज को हम ऊपर फेंक देते नीचे गिरेगा, किसी को ऊपर फेंकेंगे तो कहां गिरेगा वो? नीचे गिरेगा। और पता है नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी में, मतलब अर्थ में, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हिंदी में जो लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होता है। पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कोई भी चीज को जब आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा। ये न्यूटन का प्रिंसिपल है। अब आप एक बात बताइए, ये जो प्रिंसिपल न्यूटन ने बनाया होगा, ये क्या रातों रात उन्होंने बना दिया होगा? रात में सोए हुए होंगे, सपना आया होगा कि बेटा तुम जाके सुबह सुबह सब लोगों को बोल देना कि कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रिंसिपल इतना आसानी से नहीं बनता है। एनी प्रिंसिपल इज फॉर्मड आफ्टर पासिंग द टू स्टेजेस, वन इज डीप ऑब्जर्वेशन, अनदर इज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको न्यूटन वाले नियम देता हूं। न्यूटन क्या करते होंगे? न्यूटन रोज जाते होंगे, रोज बगीचा में बैठते होंगे, रोज बगीचा में बैठकर रोज वो चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे। वो देखते होंगे कि यार भला कोई भी चीज को जब ऊपर फेंक रहे तो वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये वो देखते होंगे, ये नोटिस करते होंगे। तो इसको बोलते हैं डीप ऑब्जर्वेशन। जब किसी चीज को बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व करते हो, टाइम टू टाइम आप देखते रहते हो, उसको बोलते हैं डीप ऑब्जर्वेशन। और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, हर चीज को ऊपर फेंक के देखा होगा और उन्होंने देखा होगा कि यार जो भी चीज को ऊपर फेंक रहे नीचे गिर जा रहा है, जो भी चीज को ऊपर फेंक रहे नीचे गिर जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो उन्होंने जो ये प्रिंसिपल बनाया होगा, ये दो स्टेप उन्होंने भी फॉलो किया होगा। स्टेप क्या बाबू? डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल्स बना है, जो प्रिंसिपल्स आपको हम पढ़ाएंगे, हेनरी फ्लो का प्रिंसिपल है, टेलर का प्रिंसिपल है, सारे प्रिंसिपल आपको हम पढ़ाएंगे, जो प्रिंसिपल आपको हम पढ़ाएंगे वो सारे प्रिंसिपल आप देखोगे वो कोई एक दिन का मेहनत नहीं है। बरसों बरसों सालों सालों टाइम बिताने के बाद मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स है वो लोग कोई प्रिंसिपल को बनाते हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल जो बनता है उसमें दो स्टेप होता है, डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब आप समझाते हैं, लिखा हुआ नोट्स में क्या लिखिए, द रिसर्चर मतलब जो रिसर्च करते हैं ऑब्जर्व डीपली सिचुएशन को ऑब्जर्व करते डीपली व्हाइल एम्प्लॉइज आर वर्किंग एंड नोट डाउन द रिएक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि जब एक मैनेजर कोई भी प्रिंसिपल को बुलाता है तो वर्कर के पास जाता है, वर्कर के पास बैठता है और उसके सारे एक्टिविटीज को, सारे सिचुएशन को, सारे बिहेवियर को वो ऑब्जर्व करता है
और ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको रिएक्शंस को नोट डाउन करता है। इसको बोलते हैं डीप ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखना, चीजों को समझना। अगला है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स मतलब जो मैंने आपको बताया, बार बार ऊपर फेंके तो नीचे गिरा होगा। द डिसीजन और स्टेटमेंट विच इज रिपीटेडली ऑब्जर्व इज बीइंग टेस्टेड। जो चीज बार बार आदमी ऑब्जर्व करता है कि ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो जो चीज बार बार देखिए, जैसे कोरोना वायरस ही है, तो इसमें क्या है, कोरोना वायरस जो भी फैल रहा है उसमें क्या क्या होगा, पहले तो ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई सब आदमी का एक ही लक्षण है, और अगर एक ही लक्षण है तो उसको टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने से रहता है कि हाई कोरोना है। मतलब क्या हो गया कि आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि सच में यही चीज है क्या, सच में यही चीज है। तो जो सिचुएशन को हम लोग बार बार देखते हैं उसको ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बन जाता है प्रिंसिपल। उसके देखिए with a different set of employees and if they get the result in the same direction in the organization, then the statement is given the name of a principal and principal is direct। बहुत सुंदर सा तरीका बोला है। बोला कि पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसको नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन करने के बाद उसके ऊपर बार बार अलग अलग वर्कर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो चीज कॉमन लगता है तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। चलिए, तो ये था प्रिंसिपल का। दो क्वेश्चन है पढ़ाए, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड हाउ डू यू गेट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाउ डू यू डिराइव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आइए आगे आते हैं लोग। अब आइए बाबू, अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बढ़िया से जेल में, फिर अगला दिन इसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग आज फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या विशेषता होगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर एग्जाम में पूछे ना व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यही आंसर होगा। What are the feature of principle of management? तो यही आंसर होगा। What are the characteristics of principle of management? तो यही आंसर होगा। तो नेचर पूछेगा एग्जाम में, फीचर पूछेगा एग्जाम में, या characteristics पूछेगा एग्जाम में, आंसर यही होगा। चलिए चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला बोला गया यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये लाइन आपको मैंने पहला भी बताया था कि मैनेजमेंट अगर आप पढ़ोगे तो ये लाइन आपको बार बार आएगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। आपका बिजनेस प्रॉफिट वाला है या नॉन प्रॉफिट वाला है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोलते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। व्हाट एवर बी द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एवर बी द टाइप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization, irrespective of their size and nature. Their result may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. मतलब हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि principle of management को थोड़ा change करना पड़े, ऐसा हो सकता है कि वो अलग रूप में आए, लेकिन principle of management हर business में applicable होगा। So याद रखिएगा, principle of management is called universal. Why it has universal application? Because it will be applicable to everywhere, whatever be the nature, whatever be the type, whatever be the size of your organization. चलिए दूसरा point, general guidelines. ध्यान सुनिएगा, principle of management जो आपको पढ़ाएंगे, 14 principle पीओ बाबू वाला पढ़ाएंगे आपको, तो जो principle of management हम लोग पढ़ेंगे, तो सुनिए principle of management जो होगा, management के जो सिद्धांत होंगे, management के जो principles होंगे, management के जो facts होंगे, वो facts जो है ना बाबू, एक तरह का guidelines है। guidelines मतलब जैसे आपको गवर्नमेंट अभी क्या बोला है कि आप सारे लोग मास्क पहनिएगा, क्या पहनिएगा, मास्क। गवर्नमेंट आपको गाइड कर रहा है, गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि आपको मास्क पहनना है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है आपको हैंड सैनिटाइज करना है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रहा है, गाइडलाइंस मतलब क्या, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो गाइडलाइंस मतलब होता है समथिंग विच यू मे ऑब्जर्व और मे नॉट ऑब्जर्व। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, ये कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है। जो बोल दिए सो, जो वो बोलते हैं हिंदी में पत्थर का लकीर नहीं है, याद रखिएगा मैनेजमेंट कोई पत्थर का लकीर नहीं है दोस्त। दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली टू इन ऑल सिचुएशन। आंख बंद करके अप्लाई कर दिए, ना मेरे दोस्त, आंख बंद करके अप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग जिनके पास बुक होगा उनको पढ़ने में ज्यादा सुविधा होता होगा। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर मस्ट अप्लाई दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम सारा बात बता दें कि मैनेजर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से, बिजनेस के साइज के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उसको अप्लाई करेगा।
अगला है इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो आपको अभी ऊपर में बताए थे कि प्रिंसिपल अमेंडमेंट जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी होते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब धीरे 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 डेवलप होता है। जैसे आपको पता होगा इंसान पहले बंदर था, धीरे 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 इंसान इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम आपसे है उस फॉर्म में हम लोग आए हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो है ना बाबू वो इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी मतलब दैट डेवलप्स वन बाय वन, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। अचानक से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बन गया है। जो ऊपर में मैंने आपको पढ़ाया डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये दोनों स्टेजेस के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट और दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ोगे या जो भी प्रिंसिपल अमेंडमेंट बना हुआ है, वो सारा प्रिंसिपल अमेंडमेंट कोई किसी आदमी का पर्सनल फीलिंग नहीं है, अपना फीलिंग नहीं बताएंगे आपको, वो फैक्ट है, वो सच्चाई है जो वर्षों वर्षों के बाद मैनेजमेंट ने बना है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको मैंने पढ़ाया था, देखिए जैसे सन राइज इन द ईस्ट, ये जो लाइन है ना बाबू ये रिजिड है। रिजिड मतलब क्या हो गया, ये लाइन चेंज नहीं होगा। सूरज पूरब में उगता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, राजू के लिए भी, पुष्पा के लिए भी, गीता के लिए भी और सबके लिए सूरज पूरब में ही उगता है, उगता था, उगता रहेगा, क्योंकि ये रिजिड स्टेटमेंट हो गया। ऐसा स्टेट वो रिजिड जो चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ना बाबू वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब आपको हम 14 प्रिंसिपल पढ़ाएंगे हेनरी फोर्ड। अब जरूरी नहीं है कि आपके बीच में 14 प्रिंसिपल अप्लाई होगा, आप 8 भी अप्लाई कर सकते हैं, 7 भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट कैन बी मॉडिफाइड, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाई डिफरेंटली अंडर डिफरेंट conditions, some changes can be made in the application of principles according to the requirement of the company. These are not set of rigid statements. These can be modified by the managers who are using them. ये कोई fix statement नहीं है। आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। Manager चाहे तो उसको change कर सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। पांचवा point आई, behavioral in nature। आपको जब मैं 14 principle पढ़ाऊंगा, जो सबसे famous principle है, marketing management, जो सबसे फेमस प्रिंसिपल है, बड़े बड़े बुक्स में भी आप देखोगे ताको वो 14 प्रिंसिपल मिलेगा। वो 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जो कि हेनरी फ्यूल ने दिया था, वो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप देखोगे कि 14 का 14 प्रिंसिपल जो है ना उनका वो बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब वो वर्कर के बिहेवियर से डील करता है कि वर्कर कैसे बिहेव करेगा, वर्कर के बारे में क्या सोचेंगे, वर्कर को क्या चाहिए। तो इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बिहेवियर बोला गया, क्योंकि इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बिहेवियर बोला गया क्योंकि ये एम्प्लॉइज के बिहेवियर से डील करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑफ इंप्रूविंग रिलेशनशिप विद द सुपीरियर सबऑर्डिनेट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको हम पढ़ाएंगे क्या, देखोगे कि इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि वर्कर से रिलेशन कैसे इंप्रूव होगा, वर्कर से बॉन्डिंग कैसे इंप्रूव होगा, वर्कर कैसे अच्छे से काम करेगा। लास्ट है बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे, सारा प्रिंसिपल में मेरा नोट्स में भी लिखा हुआ है कि वो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, और अगर वो प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, और अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सभी के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है कि अगर प्रिंसिपल हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा। Management principles are based on the cause and effect relationship. That means principles tell us a particular principle is applied in a situation what might be the effect. अब principle of management आपको पढ़ाएंगे कि अगर एक particular principle को हम लोग apply करते हैं तो उसका क्या effect होगा, नहीं करते हैं तो क्या effect होगा। और last point आज के लिए बच्चे लोग, contingent, याद रखिएगा principle of management are contingent in nature. What is the meaning of the word contingent? Contingent word का मतलब होता है something that is conditional. तो principle of management conditional होते हैं. Conditional मतलब that depends upon कि in which condition, in which situation that shall be applied. कौन से condition में कौन सा principle आप apply करोगे, वो situation पे depend करता है. इसलिए इसको contingent बोला गया है. Management principles are contingent and dependent upon the situation prevailing in the organization. Their application and effect depend upon the nature of the organization. वो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। इसलिए इसको कंटिंजेंट बोला गया। व्हाई इट इज कंटिंजेंट, सो इट इज कंटिंजेंट बिकॉज़ इट इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस हाउस। तो उसके हिसाब से इसको हम लोग अप्लाई करेंगे।
सो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, आज के लिए यहीं पे क्लास को ड्रॉप करते हैं। आप पूरा रीडिंग मार लीजिए, उसके कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू।